आप सब आई होप सब घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो शुरू करने जा रहे हैं हम आज आपका एक नई कहानी जिसका नाम है गोलू ग्रोज अ नोज, जो कि आपकी एलियन हैंड एंड एलियन हैंड टेक्स्ट में से लिया गया एक छोटा सा कहानी है। अब बेसिकली ये जो कहानी है वो गोलू नाम के एक बेबी एलिफेंट यानी हाथी के बच्चे की है, जिसके पास ट्रंक नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि पुराने ज़माने में हाथियों की सूंड नहीं हुआ करती थी, हाथियों के नाक होती थी जैसे हमारी है, और इसी नाक की वजह से कह सकते हो कि उसको एक आदत सी पड़ गई थी क्या करने की, बहुत सारे प्रश्न पूछने की। यहाँ पे गोलू को कैसा बच्चा दिखाया गया है, काफ़ी ज़्यादा नॉटी, और वो अक्सर जिन जिन जानवरों से मुलाकात करता था उनसे वो प्रश्न पूछता था। तो चलो शुरू करते हैं कि उसके प्रश्न पूछने की आदत से आगे क्या होता है। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, ही हैड ओनली अ बल्गी नोज एज अ बिग एज अ बूट। ही कुड विगल इट फ्रॉम इन साइड टू साइड बट कुडेंट पिक अप थिंग्स विद इट। देर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज एज स्मॉल बूट। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन, ही आस्क द हिज टॉल एंड द ऑस्ट्रिच, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। देन ही आस्क द हिज टॉल अंकल द जिराफ, वॉट मेक्स यू स्किन सो स्पॉटी। He asked his huge uncle, the hippopotamus, why are your eyes always so red? He asked his hairy uncle, the baboon, why do melons taste like melons? The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's questions. Golu is a naughty baby, they said. He asked such a difficult question. बहुत समय पुराने ज़माने की ये बात है, एक हाथी का बच्चा हुआ करता था। उस समय में हाथी की सूंड नहीं होती थी, सिर्फ एक बड़ी सी नाक होती थी, और उसका शेप कैसा दिखाया गया है, बल्गी। बल्गी मीन्स ह्यूज, एंड उसका शेप था बूट जैसा। वो कुछ कर नहीं पाता था सिवाय सांस लेने के, फुरफुराने के, और वो अपनी इसकी मदद से किसी चीज़ों को उठा ही नहीं पाता था। ऐसे ही हाथी के बच्चे के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गोलू। उसके पास भी ट्रंक नहीं होता था, बड़ी सी नाक थी और उसका शेप था बूट जैसा। लेकिन गोलू की बहुत ही नॉटीनेस थी, आदत थी क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने की। एक बार उसने अपनी लंबी ऊंची आंटी से पूछा, जिसका नाम दिया है ऑस्ट्रिच, कि क्यों आप दूसरी चिड़ियों की तरह उड़ नहीं पाती हैं। फिर उन्होंने अपने अंकल जिराफ से पूछा, लंबे अंकल से, क्यों आपकी स्किन पर इतने सारे स्पॉट्स यानी धब्बे नज़र आते हैं, जैसा कि आप जिराफ की स्किन पर देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड स्पॉट्स। तो उन्होंने अपने अंकल से पूछा कि आपके बॉडी पर इतने सारे स्पॉट्स क्यों हैं, क्यों। फिर उसने पूछा हिप्पोपोटेमस से कि क्यों आपकी आंखें हमेशा लाल रहती हैं। फिर अपने बबून अंकल यानी बंदर से पूछा, बबून से, कि आपके बॉडी पे इतने सारे बाल क्यों रहते हैं, और आप हमेशा जो मेलन्स खाते हैं, तरबूज खाते हैं, उसका टेस्ट मेलन जैसा क्यों आता है। तो ऑस्ट्रिच ने, जिराफ ने, हिप्पोपोटेमस ने, बबून ने, सब ने तंगा करके बोला कि गोलू कितना नॉटी है, उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं और उसके क्वेश्चंस का जवाब भी हमारे पास होता नहीं है। One day Golu met the Myna bird sitting in the middle of the bush, and he asked her, what does the crocodile have for dinner? The Myna said, go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out. Ek din Golu ko Myna mil jati hai, to usko jaake puchta hai ki crocodile yani magarmach kya khata hai dinner mein. To Myna चतुर निकली, उसने बोला एक काम क्यों नहीं करते, वो बड़े से जो लिम्पोपो नदी है उसके किनारे जो हरी भरी घास है वहाँ चले जाओ, वहीं जाकर किसी से पूछ लेना। गोलू वेंट होम, ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स। देन ही सेड टू हिज फैमिली, गुड बाय, आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रैसी लिम्पोपो रिवर, आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक। फिर गोलू घर जाता है, घर जाके 10 गन्ने की जो डालियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो उठाया, 50 डजन उसने केले उठाए, 25 तरबूज उठाया, और अपने परिवार को बोलता है, बाय, अब मैं बहुत से बड़े विशाल ग्रासी लिम्पोपो नदी के किनारे जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं ये पता करने जा रहा हूँ कि मगरमच्छ क्या खाता है डिनर में, क्योंकि इससे पहले कभी भी गोलू ने मगरमच्छ को देखा नहीं था और जानता भी नहीं था कि वो दिखते कैसे हैं। He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner? रास्ते में उसे एक python, ये a kind of snake, मिला और उसने उसको पूछा कि आपने कभी crocodile यानी मगरमच्छ देखा है? वो देखने में कैसे लगते हैं? वो क्या खाते हैं dinner में? The python uncoiled himself from the branch of a tree and but said nothing. Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. अब python ने जब इसकी बात पूछी तो ये यहाँ पर गोल गोल लपेटा हुआ था खुद को, वो नीचे आने लग जाता है। फिर गोलू, इसने कुछ जवाब जब नहीं दिया तो गोलू ने उसकी मदद की वापस से डाली पे लपेट लपेट जाने में, कि तुम यहाँ लपेट लो, मैं कुछ नहीं करूँगा।
Golu moved on, eating sugar canes, bananas and melons. After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo River. On the bank of river, he saw a log wood. चलते चलते काफ़ी सारे गन्नों की डालियाँ खाते खाते, बनानास खाते खाते, तरबूज खाते खाते, कुछ दिन बाद फाइनली वो लिम्पोपो नदी के किनारे जो हरी भरी घास थी, विशाल जो नदी का किनारा था, वहाँ पहुँच जाता है और उसने देखा कि वहाँ पर एक लकड़ी का बहुत बड़ा जो कह सकते हैं हम लॉग होता है वो वहाँ पर पड़ा था. It was really the crocodile who winked at him. Excuse me, said Golu. Have you ever seen a crocodile? The crocodile winked again and lifted half his tail out of the mud. Come here, little one, said the crocodile. Why do you ask such questions? तभी उसने क्या देखा कि एक्चुअल में जहाँ पे ये जा करके जिसको वुड समझ रहा था वो कोई और नहीं, एक क्रोकोडाइल था, एक मगरमच्छ था जो अपनी आंखों को मींच करके बैठा हुआ था. तो गोलू जाता है उनसे पूछता है कि क्या आपने कभी किसी मगरमच्छ को देखा है? तो क्रोकोडाइल ने अपनी आंखों को खोलते हुए कहा, अपनी पूंछ को उठाते हुए मिट्टी में से, इधर आओ मेरे प्यारे बच्चे. और फिर उसने पूछा कि तुम ऐसे अजीब से प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो. कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू. अभी होता यूँ है कि उसने बोला कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्रोकोडाइल होता क्या है. तो मगरमच्छ ने बोला, एक काम करो, मेरे पास आओ, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ. और क्रोकोडाइल ने क्या किया, झूठे मूठे आंसू बहाना शुरू कर दिया ताकि पता लगे कि मैं ही मगरमच्छ हूँ. गोलू वॉज एफ्राइड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर. प्लीज टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर. कम हियर लिटिल वन एंड आई विस्पर द आंसर टू यू, said the crocodile. Golu put his head down close to the crocodile's snout and the crocodile caught him by the nose. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, गोलू ने जब देखा कि मगरमच्छ के आंसू बह रहे हैं तो वो डर जाता है, फिर वो नदी के किनारे बैठ जाता है. कहता है कि मैं तो आप ही से मिलने इतनी देर से यहाँ पर घूम रहा था, प्लीज़ मुझे बताइए कि आप डिनर में क्या खाते हैं. तो बोलता है, इधर आओ मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ कि मैं डिनर में क्या खाता हूँ. जैसे ही गोलू ने अपना सिर आगे की तरफ लिया क्रोकोडाइल के मुँह के तरफ ताकि वो सुन सके कि वो क्या बोलने जा रहे हैं, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ ने उनके नाक को अपने मुँह से पकड़ लिया. आई थिंक, सेड द क्रोकोडाइल, टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर. लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी, मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू. तब क्रोकोडाइल कान में फुसफुसाते हुए, क्योंकि उसने अपने मुंह से उसको पकड़ लिया था उसके नाक को, वो बोलता है, आज तो मैं बेबी एलिफेंट को खाऊंगा. तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे चोट लग रही है मिस्टर क्रोकोडाइल, मुझे जाने दो. वो जोर से चिल्लाने लगता है. द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड, इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम. पाइथन जो कि सांप जो उसको फॉलो कर रहा था काफ़ी टाइम से कि गोलू कहाँ जाता है, उसने आके बोला नदी के किनारे, अगर तुमने अपने आप को जोर से नहीं खींचा तो ये जो मगरमच्छ है तुम्हें पानी के अंदर ले जाएगा, तुम्हें मार डालेगा. गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चर्स एंड पुल्ड द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल अ क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड. गोलू पीछे की तरफ होते हुए अपने आप को जोर से खींचना शुरू करता है, क्रोकोडाइल भी स्लिप होने लग जाता है, वो अपने आप को पानी के अंदर ले जाने की कोशिश करता है अपनी पूंछ की मदद से और वो भी खींच रहा होता है, यानी दोनों अपने आप को बचाने के लिए, एक क्रोकोडाइल है वो गोलू को खींच रहा है, गोलू अपने आप को बचाने के लिए मगरमच्छ के मुँह से निकलने की कोशिश कर रहा होता है. देन द पाइथन कोलाइड हिमसेल्फ राउंड गोलू स्टमक एंड सेट लेट्स पुल हार्डर. गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल्ड. द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग एट ईच पुल. द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू. द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट. पाइथन ने यानी सांप ने क्या किया, अपने आप को गोलू के पेट से लपेट लिया और बोला, चलो अब हम दोनों जन मिलकर इसको खींचते हैं. गोलू ने अपने चारों पैर मिट्टी में धंसा लिए और जोर से खींचने की कोशिश की क्योंकि उसकी नाक खींच रही थी. थोड़ी देर में उसकी नाक लंबी 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 इतनी लंबी हो गई कि अब उसकी लेंथ हो गई थी 5 feet लंबी. लेकिन फाइनली गोलू जो था वो मगरमच्छ के चुंगल से छूट चुका था. गोलू सैट डाउन विद हिज नोज रैप्ड अप इन द बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रैसी लिम्पोपो रिवर टू कूल. गोलू बैठ जाता है अपनी नाक को बड़े से बनाना के केले के पत्तों में लपेट करके और काफ़ी ज़्यादा उसको रिलैक्स महसूस होता है और लिम्पोपो नदी के किनारे जो हरी भरी घास थी उसमें वो आराम करने लग जाता है. गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड श्रिंक. इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर. गोलू लिफ्टेड हिज नोज एंड विथ इट हिट द फ्लाई डेड. गोलू लिम्पोपो रिवर के नदी के किनारे 2 दिन वेट किया और सोचने लगा कि मेरी नाक ठंडी होकर के छोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है.
फाइनल दूसरे दिन के अंदर अंदर एक मक्खी आकर के जब उसको काटने जाती है गोलू को शोल्डर पे, तो वो गोलू ने अपनी स्ट्रंक की मदद से, नाक की मदद से उसको इतने जोर से मारा कि वो मर जाती है। एडवांटेज नंबर वन, ही इज द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लंक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फाइनली पाइथन ने बोला, देखा तुम्हारे ट्रंक के होने का पहला फ़ायदा, तुम जो चीज़ अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे वो अपनी सूंड की मदद से तुमने वो कर दिया। अब एक काम करो, इस हरी भरी घास को खींचो और खाने की कोशिश करो, तुम खा पाओगे। तो गोलू ने अपने ट्रंक की मदद से बड़े से घास के एक पोटली को उठाया और खाने की कोशिश की, अपने पैरों पे झाड़ा और फिर उसने अपने मुंह पर वो ले गया। एडवांटेज नंबर टू, ही इज द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। फिर वो बताता है कि सोचो अगर तुम्हारी नाक छोटी होती तो तुम क्या करते। अब इसका दूसरा फायदा देखो तुम्हारी बड़ी नाक होने का, तुम्हें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और तुम्हें नहाना चाहिए। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड ऑन हिज हेड। एडवांटेज नंबर थ्री, ही इज द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माय फैमिली। तो उसने क्या किया, गोलू ने मिट्टी को अपनी सूंड की मदद से उठा करके नदी के किनारे से सारा अपने सिर पर फेंका जिससे उसको ठंडक मिले। फिर वो सांप कहता है, तीसरा फायदा सुनो, तुम ये सब अपने नाक से नहीं कर पाते। तो वो कहता है, हाँ थैंक यू मिस्टर पाइथन, अब मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ, मैं ये चीज़ें याद रखूँगा, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये थी स्टोरी फ्रॉम रुडयार्ड किपलिंग की। अब हम जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर 34 पे जो आपके क्वेश्चंस दिए हैं उसके हम अब फटाफट समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर वन है, हुम डज गोलू आस्क व्हाई डोंट यू फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। गोलू ने किसको पूछा कि दूसरे चिड़ियों की तरह आप उड़ नहीं सकते, तो आंसर है ऑस्ट्रिच को। क्वेश्चन नंबर टू, विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज, अंकल कौन से ऐसे अंकल थे गोलू के जिनकी आंखें रेड थी, तो वो है हिप्पोपोटामस। क्वेश्चन नंबर थ्री, गोलूस रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस बिकॉज, गोलू के रिलेटिव्स ने उसके किसी भी आंसर्स को क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्या वो उनको शर्म आ रही थी, क्या उनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे, या गोलू एक नॉटी बॉय था। तो आंसर है उसने, गोलू ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे वो काफ़ी डिफिकल्ट थे। क्वेश्चन नंबर फोर, हु एडवाइज गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर, किसने गोलू को सलाह दी कि तुम लिम्पोपो रिवर पे जाओ, तो हम जानते हैं उसका आंसर है माइना बर्ड एडवाइज्ड। क्वेश्चन नंबर फाइव, Why did गोलू go to the river? गोलू क्यों नदी के किनारे गया, गोलू went to the Limpopo river to find out कि क्रोकोडाइल का डिनर क्या है, यानी वो क्रोकोडाइल डिनर में क्या लेता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर, गोलू थॉट इट वॉज अ लिविंग क्रोकोडाइल, अ डेड क्रोकोडाइल, अ लॉग ऑफ वुड। क्रोकोडाइल जो कि नदी के किनारे लिम्पोपो नदी के किनारे पड़ा हुआ था, और गोलू को क्या लगा कि वो जिंदा क्रोकोडाइल है, मरा हुआ क्रोकोडाइल है, या लकड़ी का एक टुकड़ा है, तो आंसर क्या था, अ लॉग ऑफ वुड। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वाज अ रियल क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने ऐसा क्या किया ताकि गोलू को पता लगे कि वो असली में क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल शेड इट्स फॉल्स टीयर टू शो दैट इट वॉज अ रियल वन। हमने एक कहावत सुनी है ना कि मगरमच्छ के आंसू बहाना, तो उसने उस चीज़ को साबित किया और उसने रोना शुरू कर दिया ताकि पता लगे हाँ ये सच में मगरमच्छ है। क्वेश्चन नंबर एट, Come here little one and I'll whisper the answers to you. The crocodile said this because he couldn't stand up. He wanted to eat Golu. Golu was deaf. उसने क्या बोला, इधर आ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे कान में इसका आंसर दूंगा। उसका कहने का मतलब यहाँ पे क्यों था, क्योंकि वो चाहता था क्या करना, गोलू को खा जाना। Then comes question number 9. Who helped Golu on the bank of the river? नदी के किनारे किसने गोलू की मदद की थी, हम जानते हैं द पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, और उसने गोलू की जान बचाई थी, किससे, क्रोकोडाइल से। क्वेश्चन नंबर 10, नेम टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक एंड टू ही कैन नॉट, दो ऐसे चीज़ों के बारे में बताओ जो वो कर सकता है और दो ऐसे चीज़ जो नहीं कर सकता। जो कर सकता है वो है, एलिफेंट कैन कीप अवे फ्लाइज, मक्खियों को भगा सकते हैं, एंड ही कैन पुल थिंग्स बिलो टू द माउथ, और वो आसानी से नीचे से उठा करके चीज़ों को अपने मुँह में डाल सकते हैं। और जो चीज़ नहीं कर सकते वो अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं चीज़ों को लेने मुँह में करने के लिए, और ट्रंक की मदद से वो देख भी नहीं सकता है। फाइन, अब करने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, जिसमें पहला आ रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट गोलू, आप गोलू के बारे में क्या जानते हैं। तो हम जानते हैं गोलू वॉज अ बेबी एलिफेंट,
ही हैड बल्गी नोज, ही हैड नो ट्रंक, ही वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन. गोलू एक बेबी एलिफेंट था, उसकी एक बड़ी सी बल्गी नोज थी, उसकी सूंड नहीं थी और वो हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था. विच बर्ड डायरेक्टेड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर एंड वाई. किस चिड़िया ने गोलू को कहा कि तुम लिम्पोपो नदी के किनारे जाओ और क्यों. माइना बर्ड ने बोला, जो कि एक झाड़ियों के बीच में बैठी थी, कि तुम वहाँ जाओ और जाकर के क्रोकोडाइल से पूछो कि डिनर में वो क्या खाते हैं. माइना ने गोलू को आदेश दिया या डायरेक्शन दिखाया कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब वहाँ पर मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आइटम्स ऑफ फूड डिड गोलू टेक बिफोर लीविंग हिज होम फॉर लिम्पोपो रिवर. लिम्पोपो नदी के लिए जब वो निकलने लगा था गोलू, तो उसने क्या क्या आइटम ली थी. तो हमें याद है 100 गन्ने की डंडियाँ, 50 डजन केले और 25 वाटर मेलन्स. हाउ डिड गोलू हेल्प द पाइथन. गोलू ने पाइथन की मदद कैसे की. गोलू हेल्प द पाइथन टू कॉइल अराउंड द ब्रांच ऑफ द ट्री अगेन. पेड़ में वापस से लपेटने के लिए, रोल करने के लिए उसने, किसने, गोलू ने पाइथन यानी सांप की मदद की थी. व्हाट क्वेश्चंस डिड गोलू आस्क द पाइथन. गोलू ने पाइथन से क्या पूछा था. तो पहला, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है, क्रोकोडाइल कैसा दिखता है और वो डिनर में क्या खाता है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द पाइथन हेल्प गोलू. पाइथन ने गोलू की हेल्प क्यों की. गोलू हैड हेल्प द पाइथन टू कॉइल अराउंड द ब्रांच ऑफ अ ट्री. द पाइथन फेल्ट ग्रेटफुल टू हिम एंड क्वाइटली फॉलोड हिम. द पाइथन हेल्प्ड गोलू व्हेन द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज. ही डिड नॉट रीपे गोलू फॉर हिज गुडनेस. पाइथन ने गोलू की मदद की क्योंकि जब वो छूट गया था, क्योंकि वो लपेटा हुआ था ब्रांच से, लेकिन जब गोलू ने प्रश्न पूछा तो वो छूट चुका था. उसकी जो कॉइलनेस थी, जो लपेटा हुआ था ब्रांच में, वो छूट जाता है, तो उसने उसकी मदद की वापस से उसको पेड़ पर चढ़ने में. तो इसलिए पाइथन चाहता था कि वो क्रोकोडाइल से पाइथन गोलू को बचा सके, इसीलिए उसने गोलू की सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए पाइथन ने गोलू की मदद की. तो ये थे आपके चैप्टर की स्टोरी, गोलू ग्रोज हिज नोज और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. बाकी वीडियोस में भी यदि आप प्रश्न जवाब चाहते हैं हिंदी में समझने के लिए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.